निर्माण करवाया गया था। शोभा यात्रा धीरे धीरे तेरी मंच से गुजरती हुई और इस शोभा यात्रा की शान है हमारे लोक कलाकार जो अलग अलग मट्टी जिला के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ हमारे बीच में पहुँचे हैं। सबसे पहले ये डंडू नृत्य है जो शिवा प्रदान के इलाके में किया जाता रहा है। अपनी देवी माँ को करने के लिए ये डंडू नृत्य जो आज यहाँ सजा हुआ है और आगे बढ़ते हैं। आपको मिलेंगे महिलाओं द्वारा ये नाटी की जाती है। डाकू और पाटू के साथ सभी महिलाएं सभी तेरी मां के पास पहुंच चुकी है। सभी बच्चे नारे लगाते हुए तेरी मंच के पास और उनका अधिकार बचाने के लिए उन्हें दिलाने के लिए सभी पत्रिकाएँ लेकर आगे बढ़ती हुई राजा सूरसेन के 18 पुत्र थे। उनके जीवन काल में ही काल के ग्रास हो गए थे। इस
प्रिय राजा द्वारा अपनी गद्दी भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण अर्थात माधव राय यानी माधव जी को सौंप दी। आज भी उसी परंपरा के अनुसार माधव जी यानी माधव राय को मंडी का राजा मानकर ही सखी देवता आकर इस पारस्त्री मेला के दौरान माधव राय जी के दरबार में नमस्तक होकर अपने और
गार्ड होम गार्ड टैंक की बहुत ही सुनहरी धुन आपको सुनने को मिल रही है। पहाड़ी गीतों की धुन सुनाते हुए आगे बढ़ते हुए मंडी जिला का है। ये बहुत ही ब्रांड है और सुनी भी धुन हमें हर उत्सव और त्यौहार में सुनने को मिल जाती है। इसके बाद पूरी टुकड़ी कदम से कदम ताल करती हुई आगे बढ़ती हुई कदम साफ करते हुए इस शोभा यात्रा की शान बढ़ाते हुए और नाइवाई आज
आचरण करेंगे पटल ग्राउंड में। और ये मेला 12 से लेकर 18 मार्च तक चलेगा। 18 तारीख को इसका विधिवत समापन महापुर राज्यपाल करेंगे। और आज thank you.
माता का चलने का काल होता है, बैठने का काल होता है, उठने का काल होता है, आरती कीर्तन का काल होता है, हर तरह के काल ये जो बजाते हैं जिसमें ये माहिर होते हैं। Thank you.
विश्वास के ग्राहकों को उन्होंने भगवान की प्रति बल्कि माधो राय माधव की भावनात्मक राज्य सौंप दिया और उन्हें राजा के प्रति है उनकी चांदी की बलिदान प्रतिमा का अनावरण किया जो पाली के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन।